डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कंटिन्यू है और लास्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे मौजूद थे और क्वेश्चन नंबर 6 में हम इसकी दो हेडिंग्स को कवर कर चुके थे। द फर्स्ट वन वाज प्रमोशन, जिसमें हमने 4 हेडिंग्स को कवर किया था, जिसकी सब हेडिंग्स थी डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, डिटेल इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग ऑफ वेरियस बिजनेस एलिमेंट्स एंड फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स, जो कि पेज नंबर 44 पे लाए करते थे। सेकेंड हेडिंग इसकी इनकॉर्पोरेशन थी, जिसमें हमने दो हेडिंग्स को जो है इसकी डिस्कस किया था। फर्स्ट वन वॉज बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, वाइल द सेकेंड वन वॉज अकॉर्डिंग टू कंपनीज ऑर्डिनेंस। इसके अंदर मजीद दो सब हेडिंग्स थी, अप्रूवल ऑफ नेम एंड फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जबकि एक तीसरी हेडिंग भी मौजूद है, पेमेंट ऑफ फाइलिंग एंड रजिस्ट्रेशन फीस। आज जो हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं वो हेडिंग नंबर 3 है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अच्छा, हमने जो इस चैप्टर की बिल्कुल स्टार्टिंग में बात डिस्कस की थी वो दो तरह की जॉइंट स्टॉक कंपनीज थी, एक थी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दूसरी थी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अपना बिजनेस इनकॉर्पोरेशन के बाद स्टार्ट कर सकती हैं, यानी दे जस्ट हैव टू फिनिश देयर 2 स्टेप्स, फर्स्ट वन प्रमोशन एंड सेकेंड वन द इज द इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, यानी इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस एंड प्रमोशन, इसके बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लाजमी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज अपना बिजनेस स्टार्ट तब तक नहीं कर सकती जब तक वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर लेती। आइए मुलाहिजा कीजिए, इसको देखते हैं। प्राइवेट कंपनीज कैन स्टार्ट हिज बिजनेस जस्ट आफ्टर गेटिंग इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, जो मैंने बात अभी अर्ज की, बट पब्लिक कंपनी मस्ट प्रोसेस अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, फॉर विच पब्लिक कंपनी हैज टू फिल एन एप्लीकेशन बिफोर द रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ गिवन डन द फॉलोइंग वर्क्स। यानी कि यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी को रजिस्ट्रार के सामने एक फॉर्म फिल करना है, जिसके अंदर उसने ये इकरार करना है कि ये 5 काम जो हैं वो इस कमेंसमेंट के साथ उसके मौजूद हैं। फर्स्ट वन इज डेटा प्रॉस्पेक्टस हैज बीन फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। प्रॉस्पेक्टस जो है वो फिल्ड करेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, यानी जो कंपनी को रजिस्टर करेगा वो। डेट द शेयर्स हैव बीन अलॉटेड अप टू द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी शेयर्स जो हैं वो उस हद तक दिए जाएंगे कि एक बंदा जो है वो उसकी सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो कवर हो जाए, यानी एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट तक कम से कम शेयर्स इशू किए जाएंगे। थर्ड वन, दैट डायरेक्टर्स हैव टेकन अप और परचेज द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई देमसेल्व्स टू बी डायरेक्टर। एक मिनिमम शेयर होल्डर और एक डायरेक्टर में चूंकि फर्क मौजूद है और इस फर्क को कायम रखना है, लिहाजा एक डायरेक्टर की हैसियत से काम करने के लिए उसके पास जो मिनिमम शेयर्स का होना जरूरी है वो तादाद उसके अंदर महदूद करना या उस तादाद को लिखना जो है वो जरूरी होगा। दैट नो मनी इज लायबल टू बिकम रिफंडेबल टू द एप्लीकेंट्स बाय रीजन ऑफ फेलियर टू ऑब्टेन परमिशन फॉर शेयर्स टू बी ट्रेडेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। किसी भी किस्म की कोई नुकसान हो जाता है, किसी भी किस्म का कोई और मसला होता है, तो फंड्स जो हैं वो आपके किसी भी मेंबर के यहाँ पे रिकवरेबल नहीं है, यानी उसको वह दोबारा रिफंड नहीं किया जाएगा। जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि फंड जो हैं वो रिफंडेबल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी में विदाउट द प्योर परमिशन ऑफ रजिस्ट्रार, अगर ये बात ये क्लॉज में लिखा हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखी हुई है, तो हो सकती है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगी। अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन बाय अ डायरेक्टर एंड और द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी स्टेटिंग that the requirements relating to the commencement of business have been duly compiled with, यानी जितनी भी ज़रूरी कागजात हैं, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले काम करनी है, यानी उनको जॉट डाउन करना ज़रूरी है, वो सारे के सारे इसके साथ शामिल होंगे, यानी इस कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के डॉक्यूमेंट के साथ लगाए जाएंगे। आफ्टर डिटेल्ड स्टडी व्हेन द रजिस्ट्रार इज कम्प्लीटली कन्विंस्ड दैट ही इशूड अ परमिशन टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड दिस इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जब रजिस्ट्रार अपनी तमाम तर तसल्ली कर लेगा कि वो तमाम मामलात पूरे हो चुके हैं जो इसके साथ ज़रूरी थे, वो तमाम मामलात इसके डन होने के बाद रजिस्ट्रार ये इजाज़त दे देगा, ये सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि अब ये कंपनी अपना काम कर सकती है, यानी अपने फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म कर सकती है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो कि पेज नंबर आपका 46 के ऊपर लाया करता है, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो चीजें डिस्कस करनी है वो फर्स्ट वन इज एम ओ ए,
means memorandum of association. सबसे पहले हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है क्या? एक मुकम्मल लाइहे अमल है कि एक इदारा जो वजूद में आने जा रहा है वो इदारा जो है वो अपने कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। यानी कि आप ये देखें कि अगर एक छोटी सी शॉप भी कोई खुल रही होती है तो उसके भी कुछ फंक्शंस होते हैं कि ये बाहर के जो इसके कस्टमर्स होंगे या बाहर का जो इन्वायरमेंट है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा और बाहर के कस्टमर्स को ये किस तरह से डील करेगा। तो जब एक छोटी सी शॉप खोलने के कुछ SOPs होते हैं, कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो बाहर किस तरह से डील करेगी और किस तरह की वो जो है सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए ये लाजिम है कि वो एक अपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाए कि उसके जो भी अवामिल होंगे यानी वो जो भी उसको फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, जो काम उसने अंजाम देना है वो किस किस तरीके से करेगा। अच्छा, इसके अंदर टोटल 6 मेन क्लॉजेस हैं। क्लॉज का मतलब शिक, ठीक है। इसके टोटल 6 मेन क्लॉजेज हैं जो हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से इसके क्लॉजेज हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली है क्या। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, यानी कि कोर डॉक्यूमेंट कहलाता है। इस डॉक्यूमेंट के बगैर कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकती इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, यानी किसी भी कंपनी की तश्कील में ये एक बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट है, एक बहुत ही अहम कागजात में से एक बहुत अहम कागजी कार्रवाई का हिस्सा है। इट इज़ कॉल्ड द चार्टर ऑफ द कंपनी, इसको कंपनी का चार्टर कहा जाता है। यानी कंपनी जैसे चार्ट होता है कि कंपनी का गोल क्या है, इसी तरह से ये भी एक कंपनी का चार्टर है जो कंपनी की विजन को, कंपनी के मिशन को, कंपनी की वर्किंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट विच मस्ट बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी जिस रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होने के लिए जा रही है उसके पास ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट करना लाजमी है। दिस डॉक्यूमेंट इज अ सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर्स, ये एक एग्रीमेंट की सूरत है, ये एक मुआहदा है कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स के दरमियान। द पर्पस इज टू इनेबल द शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड दोज हु डील विद द कंपनी टू नो वॉट इट्स परमिटेड रेंज ऑफ एक्टिविटीज और ऑपरेशंस इज। यानी इसका मकसद बताया जा रहा है कि मकसद क्या है। मकसद ये है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को, कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं उनको इस बात का इल्म हो कि ये कंपनी किन किन महदूद इलाकों के अंदर या किस किस महदूदियत पर अपना काम अंजाम दे सकती है, यानी इसकी परमिट रेंज क्या है। इट डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि बाहर की दुनिया, सिर्फ कंपनी के अंदर की चीज़ें नहीं बल्कि कंपनी के जो बाहर के लोग हैं जो कंपनी से ताल्लुक कायम करेंगे अपना किसी भी तरह से, जिनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं शेयर होल्डर्स और कंपनी के क्रेडिटर्स, उनसे कंपनी किस तरह से डील करेगी। नो चेंज कैन बी मेड इन मेमोरेंडम विदाउट द प्योर परमिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की परमिशन के बगैर यहाँ पे किसी किस्म का चेंज नहीं किया जा सकता। इफ कंपनी वर्क्स ऑन अ लाइन विच इज नॉट गिवन इन मेमोरेंडम, अगर कंपनी किसी ऐसी चीज के ऊपर काम कर रही है, किसी ऐसी लाइन के ऊपर चली गई है या किसी ऐसे काम को अंजाम दे रही है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर तहरीर नहीं है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल, तो वो गैर कानूनी तस्वर किया जाएगा। द मेमोरेंडम शुड बी प्रिंटेड एंड डिवाइडेड इन टू डिफरेंट पैराग्राफ्स, प्रिंटेड फॉर्म के अंदर होना ज़रूरी है, यानी कि ज़बानी नहीं हो सकता, वर्बल नहीं हो सकता, इसको रिटन फॉर्म के अंदर होना ज़रूरी है और मुनासिब साइज़ के जो पैराग्राफ्स हैं उसके अंदर इसके क्लॉजेस लिखे होने चाहिए। ईच पैराग्राफ शुड बी नंबर्ड एंड साइंड बाय इट्स प्रमोटर, यानी कि इसके जो जितने भी शिकने होंगी इसके अंदर, जितने भी पैराग्राफ्स होंगे उन सब पे प्रमोटर के साइन होने चाहिए और प्रॉपरली नंबर्ड होने चाहिए ये सारे पैराग्राफ्स। इट हैज सम क्लॉजेस कॉन्टेंट्स फॉर कंसिडर्स, क्या चीज़ें हैं, कुछ कॉन्टेंट्स इसके यहाँ पे मौजूद हैं, इनको सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं नेम क्लॉज में, ठीक है। यहाँ पे टोटल 6 क्लॉजेस बताए हुए हैं, इसके शिकें बताई हुई हैं कि ये मेन शिकें हैं जो इसके अंदर मौजूद होती हैं। नेम क्लॉज यानी कंपनी का नाम, देखिए नाम जो है जब एक मरतबा जो है रख दिया जाता है तो उसको तब्दील करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का मामला होता है।
एक छोटा सा बच्चा जो दुनिया में आता है उसका भी नाम रख दिया जाता है, और अगर वो नाम डॉक्यूमेंटेशन में चला जाए तो फिर उस नाम को तब्दील करने की बहुत बड़ी लंबी कार्रवाई जो है वो होती है। इसी तरह से जब ये कंपनी वजूद में आ रही है तब भी ये एक छोटे से बच्चे की तरह है कि जो अभी इस दुनिया में आया है, तो जब इसका नाम डॉक्यूमेंटेशन पे एक मरतबा चला गया तो इसके नाम को चेंज करने का मरहला जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा ये बात जहन में रखनी ज़रूरी है कि जो भी नाम कंपनी के लिए सेलेक्ट किया जा रहा है उस नाम की कोई और कंपनी एग्जिस्ट ना करती हो। सेकेंड लाइन में देखिएगा, लास्ट के कुछ वर्ड्स हैं, मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ क्योंकि पहली दो लाइन्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इफ द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड, अगर शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, देन द वर्ड लिमिटेड मस्ट बी रिटन विद द नेम ऑफ कंपनी। ठीक है, तो फिर जो है वो कंपनी के नाम के साथ लिमिटेड लिखना ज़रूरी होगा, अगर लिमिटेड का वर्ड जो है, अगर शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है तो। सेकेंड थिंग, सिचुएशन क्लॉज, कंपनी को रजिस्टर होना ज़रूरी है कि वो अपने किसी रियासत के किसी हेड के पास रजिस्टर ज़रूर हो, यानी जहाँ पे वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रही है। यानी कि कोई कंपनी है जिसका एक दफ्तर यहाँ पर है, एक दफ्तर किसी और इलाके के अंदर है, एक दफ्तर किसी और इलाके के अंदर है, तो इस कंपनी का जो मरकज़ी दफ्तर है उसका रजिस्टर होना उस स्टेट में, उस रियासत में, या उस शहर में, या उस सूबे में ज़रूरी है। कंपनी कैन नॉट स्टार्ट इट्स बिजनेस विदाउट रजिस्टर्ड हेड ऑफिस। सेकेंड लाइन पढ़ रहा हूँ कि कंपनी जो है वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर ही नहीं सकती जब तक उसके मरकजी दफ्तर को कहीं पे रजिस्टर नहीं कराया जाएगा। इन केस ऑफ एनी चेंज इन द एड्रेस इट इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। अगर कंपनी के मरकजी दफ्तर का पता कहीं पे तब्दील होता है तो रजिस्ट्रार के पास इस बात को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि 30 दिन के अंदर जो है वो इस बात को रजिस्ट्रार तक पहुंचा दिया जाए। जैसे घर भी बदलते हैं तो शनाख्ती कार्ड के अंदर हमारा एड्रेस चेंज होता है, ठीक है, तो इसी तरह से कंपनी जो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रही है उसका भी अगर एड्रेस चेंज करेंगे तो ज़रूरी है कि रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म किया जाए। थर्ड पॉइंट, दैट इज कैपिटल क्लॉज, इट कंटेन्स द प्रपोज्ड ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी का ओवरऑल कैपिटल कितना होगा, 2 करोड़ होगा, 3 करोड़ होगा, 4 करोड़ होगा, ये ऑथराइज्ड कैपिटल जिस कंपनी का होना लाजमी है वो इसके अंदर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। यानी जिस जितने हिसाब से आप अपने बिजनेस के ऑथराइज कर रहे हैं कि इतना कैपिटल होगा उसको जो है वो रजिस्ट्रार तक पहुँचाना ज़रूरी है, उस अमाउंट का जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा जाना ज़रूरी है। इट गिव्स द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर्स, चाहे ये क्लासिफिकेशन जो है वो अलग अलग टाइप्स के शेयर्स के अंदर मौजूद क्यों ना हो, लाइक ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, साथ साथ नंबर्स और नॉमिनल वैल्यू, कि कितनी तादाद के अंदर शेयर्स होंगे और हर शेयर की नॉमिनल वैल्यू जो है वो क्या होगी। अ कंपनी इज नॉट अलाउड टू रेज मोर कैपिटल देन द अमाउंट मेंशन्ड एज इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल। यानी अगर 3 करोड़ अमाउंट लिखा हुआ है ऑथराइज्ड कैपिटल के तौर पे तो वो 3 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल का अमाउंट लिखा ही इसलिए है ताकि इस बात की तस्दीक हो सके कि इस कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो इतना है, तस्दीक शुदा कैपिटल इतना है। हाउएवर द कंपनी इज परमिटेड टू ऑल्टर दिस क्लॉज, जबकि कंपनी इस क्लॉज को, इस शिक को ऑल्टर कर सकती है एज पर द गाइडलाइंस प्रेस्क्राइब बाय द कंपनीज एक्ट। यानी कंपनीज एक्ट 1984 का जो मैंने पहले भी बताया था उसके मुताबिक, जो उसमें हिदायत दी हुई है उसके मुताबिक इस शिक को तब्दील किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कोई भी कंपनी विदाउट ऑब्जेक्ट जो है वो वजूद में नहीं आती, हर कंपनी के वजूद में आने का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। इट कंटेन्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट्स ऑफ द कंपनी, इसके अंदर तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, ऑब्जेक्टिव लिखा होता है कंपनी का तफसील से, और तमाम कंपनी के राइट्स लिखे होते हैं जो कंपनी के हुकूक हैं, फॉर विच इट इज़ बीइंग एस्टैब्लिश, जिन मकासद के हुसूल के लिए कंपनी बनाई जा रही है वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होंगी। अ कंपनी कैन अंडरटेक ओनली दोज एक्टिविटीज़ विच आर मैंशनड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ इट्स मेमोरेंडम, कंपनी सिर्फ वही उमूर अंजाम दे सकती है कि जो इसके
ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर मेंशन होंगे, उसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकती, जैसे कि ये बात जो है वो ऊपर भी लिखी हुई थी, यानी ऊपर जो पैराग्राफ था उसमें भी ये बात लिखी हुई थी, जो हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पार्ट पढ़ा था उसके अंदर भी लिखा था कि कंपनी सिर्फ वो काम करेगी कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा हुआ होगा, अगर उससे हटके कोई काम किया जाएगा तो वो गैर कानूनी तसव्वुर किया जाएगा। और वही बात यहाँ पे आगे भी लिखी हुई है, इफ द कंपनी डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट देन दिस एक्शन विल बी इलीगल। फिफ्थ पॉइंट, लाइबिलिटी क्लॉज। It is clearly written in memorandum that the liability of shareholders is limited or unlimited. यानी जो liability है shareholders की वो limited होगी या unlimited होगी, ये company clause के अंदर लिखा होना लाजमी है। Last, that association clause. It contains the name and address of at least 7 members in case of public limited company and 2 members in case of a private limited company. वही के कम से कम तादाद के हिसाब से यहाँ पे बात की गई है, जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि 2 अफराद कम से कम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और इसी तरह से पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कम से कम 7 मेंबर्स का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी कम से कम 7 इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड एटलीस्ट 2 इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो लोगों के नाम और एड्रेस होना ज़रूरी है। हु एग्री टू एसोसिएट और join hands to get the undertaking registered as a company, कि जो अपनी registration दे सकें, कि जो अपने sign दे सकें इस चीज़ के ऊपर कि वो एक company को organize करने जा रहे हैं। It contains a declaration by persons, एक अहदनामा है उन लोगों से, who are desirous of being formed into and agree to subscribe to the number of shares mentioned against their name, यानी वो इस कंपनी को के मेंबर बनने के लिए कम से कम इतने शेयर्स के जो है वो सब्सक्राइब हो रहे हैं। यानी जैसे कि आप देख लेंगे सोशल मीडिया का दौर है, आप सबको पता होगा कि भाई कोई नया चैनल ऑन करता है अपना तो नंबर ऑफ़ सब्सक्रिप्शंस देखे जाते हैं कि इसके नंबर ऑफ़ सब्सक्रिप्शंस कितने हैं। तो इसी तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर भी ये बात नोट की जाती है कि जितने भी मेंबर्स अपना शेयर लगा रहे हैं, अपने शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनकी सब्सक्रिप्शन होना ज़रूरी है। यानी ये चीज़ एसोसिएशन क्लॉज के अंदर लिखी होनी ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट, डेट इज आर्टिकल। AOA, डेट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के एक्सटर्नल मैटर्स को डील करने के लिए बनाया जाता है कि कंपनीज अपने बाहर के मामलात से किस तरह से डील करेगी, कंपनी के बाहर से जो ताल्लुकात होंगे वो किस पैमाने पर होंगे, उसकी लिमिटेशंस क्या होंगी, उसकी तमाम जो फंक्शंस हैं वो किस किस्म के होंगे, ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं सारी की सारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अब कंपनी के इंटरनल लॉस की बात हो रही है, यानी कंपनी को अंदरूनी तौर पर चलाने के लिए भी कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है। एक माहौल कंपनी के अंदर बनाया जाता है ताकि सब लोग जो हैं वो म्यूचुअली किसी टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी सर्विसेज दे सकें, ठीक है। तो जिस तरह से बाहर के लोगों से ताल्लुकात कायम करने के लिए पूरे रूल्स रेगुलेशंस की ज़रूरत है, इसी तरह से कंपनी के इंटरनल मैटर्स को रन करने के लिए भी एक एसोसिएशन की ज़रूरत है, जिसे हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। यानी एक्सटर्नल मैटर्स के लिए हम कहेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और इंटरनल मैटर्स को डील करने के लिए जो एक एसोसिएशन बनाई जाती है, एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, डैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मुलाहिजा कीजिएगा, इट इज़ सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी which includes the rules and regulations necessary to run a company and to govern the internal organization is responsible for good conduct of whole management. yani company ki intizami umoor ko chalane ke liye behtareen tareeqe se jo laya amal tay kiya jata hai jisme tamam usool o zawabit likhe jate hain wo document kehlata hai aapka article of association. aur memorandum of association ke baad ये दूसरा डॉक्यूमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। दीज रूल्स आर कॉल्ड द बाय लॉस। इन कानून को बाय लॉस कहा जाता है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखे जाते हैं। इट कवर्स वेरियस राइट्स एंड पावर्स ऑफ इट्स मेंबर्स। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, हुकूक और उनकी जिम्मेदारियां जो कि उन्होंने
अंजाम देने होते हैं. किसने? शेयर होल्डर्स ने, मेंबर्स ने. ड्यूटीज ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारियां हैं वो, एंड द मैनर इन विच दे कैन बी चेंज, और वो तरीक़ाकार के जिसके जरिए से ये चीज़ें तब्दील की जा सकती हैं. इट डिफाइंस अ रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स. कंपनी और उसके मेंबर्स के दरमियान ताल्लुक को डिफाइन कर रहे हैं, एंड ऑल्सो अमंग द मेंबर्स देमसेल्व्स. मेंबर्स के आपस में ताल्लुकात किस तरह के होंगे, इस चीज़ को भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है. अब यहाँ पे 15 कंटेंट्स लिखे हुए हैं जो कि मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेक्चर टाइम की शॉर्टेज की वजह से ये 15 पॉइंट्स लिखे हुए हैं. इनको आप मुलाहिजा कीजिएगा, कोई से भी 5 पॉइंट्स आप इसमें से लिख सकते हैं. इनको आप मुलाहिजा कीजिएगा खुद. अब मैं आ रहा हूँ पॉइंट नंबर 3 की तरफ, एनी 5 कंटेंट्स. ठीक है, इन 15 लिखे हुए, अगर आप कोई से 5 लिख के एक्सेट्रा भी लिख दें तो जो है वो बात पूरी हो जाएगी. प्रोस्पेक्टस इज एडवर्टाइज फॉर रेजिंग द कैपिटल. प्रॉस्पेक्टस का शो करना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ज़रूरी नहीं है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में प्रॉस्पेक्टस जो है वो इज़ अ सॉर्ट ऑफ, इज़ अ टूल ऑफ एडवर्टाइजमेंट. इन दिस द जनरल पब्लिक इज इन्वाइटेड टू परचेज द शेयर्स, क्योंकि यहाँ पे जनरल पब्लिक को इन्वाइट किया जा रहा है शेयर्स की खरीदो फरोख्त के लिए. एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्टस शुड बी सबमिटेड टू रजिस्ट्रार्स ऑफिस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 236 ऑफ द कंपनीज एक्ट. मैं पहले लिख दूं, पॉइंट नंबर 3 पे हम पहुंच चुके हैं, प्रॉस्पेक्टस. यानी जो कंपनीज ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक, कंपनीज एक्ट के मुताबिक ये प्रॉस्पेक्टस है क्या? एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी कागज, कागजात की कार्रवाई जिस पे की जाती है, इशू और सब डिस्क्राइब एज अ प्रॉस्पेक्टस एंड इंक्लूड एनी नोटिस, किसी भी किस्म का नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और द डॉक्यूमेंट इन्वाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट. यानी एक तरह से आप समझ लें पूरी पूरी एडवर्टाइजमेंट है कि हमारी कंपनी क्या क्या उमूर अंजाम दे रही है. पूरे के पूरा एक चार्टर बना हुआ है कि ये हमारे गोल्स हैं, ये मिशंस हैं, जहां मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बना हुआ है यहाँ पे लोगों को इनवाइट करने के लिए. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट है वो कंपनी को चलाने के लिए है, जबकि प्रॉस्पेक्टस जो है वो लोगों को इन्वाइट करने के लिए है. कॉन्ट्रैक्ट्स के 4 हैं जो यहाँ पे मेंशन है. ऑल पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जितने भी पॉइंट्स होंगे प्रॉस्पेक्टस के अंदर मौजूद होना लाजमी है. सेकंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ डायरेक्टर्स एंड नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ ऑडिटर्स. ये 4 चीजें इसका हिस्सा होना लाजमी है. अब हम आते हैं, आगे भी इसकी पॉइंट्स हैं लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये 4 हैं. आगे पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं. पॉइंट नंबर 9 को देखिएगा, बैलेंस शीट ऑफ बैंक, बैंक की बैलेंस शीट, बैंक की बैलेंस शीट का लगा होना इसके साथ जरूरी है. ठीक है जी. पॉइंट नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, हाउ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन बी लिक्विडेट और टर्मिनेट. इसके आगे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी हुई कि ये कभी किसी साल में आया हो, ये अभी तक नहीं पूछा गया. हम इसको अपने इस रिकॉर्डेड लेक्चर का हिस्सा अभी फिलहाल नहीं बना रहे, क्योंकि ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक इम्पॉर्टेंट नहीं है. लिहाजा हम डायरेक्ट मूव कर रहे हैं पेज नंबर 50 पर, जो कि है डिफरेंशिएशन बिटवीन AOA एंड MOA, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के दरमियान जो डिफरेंस बताया हुआ है, हम डायरेक्ट इसके ऊपर मूव कर रहे हैं. इट इज़ क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक, या इट्स क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 50. दोनों के डिफरेंस सबसे पहले पॉइंट के अंदर मीनिंग बताया हुआ है. ठीक है, मीनिंग क्या है, मीनिंग का मतलब क्या है, जरा गौर से सुन लें यहाँ पे. इट इज़ द डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी विच सेट्स आउट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आइन को, यानी कंपनी को किस तरह से चलना है. जिस तरह से मुल्क के चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, आइन बनाया जाता है, इस तरह से कंपनी को चलाने के लिए भी ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है. लेस डाउन कंडीशंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसके अंदर कंपनी के वजूद में आने की तमाम कंडीशंस बताई जाती हैं. एंड डिफाइंस द पावर्स ऑफ द कंपनी, और कंपनी के इख्तियारात बताए जाते हैं.
एंड ऑल्सो द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज फ्लोटेड, और साथ साथ कंपनी के मकासद बताए जाते हैं कि जिन मकासद को हासिल करने के लिए ये कंपनी चलेगी। ये तो हो गया आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, जिसके अंदर जो पॉइंट्स बताए हैं, सबसे पहला पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा पॉइंट कंडीशंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तीसरा पॉइंट पावर्स ऑफ द कंपनी एंड फोर्थ पॉइंट द ऑब्जेक्ट। ये चार चीजें इसके अंदर बताई जाती हैं, किसके अंदर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। पहला पॉइंट दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड कंडीशंस, थर्ड वन पावर्स एंड फोर्थ वन इज ऑब्जेक्ट। सब इसी के अंदर लिखा हुआ है, इस इन फोर लाइंस के अंदर जो बात है वो मैंने यहीं से आपको बताई है। सेकंड इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इट इज अ डॉक्यूमेंट कंप्राइजिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। ये एक वो ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसके अंदर तमाम के तमाम कंपनी के उसूल जवाबित लिखे हुए हैं। इट डिफाइंस राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पे कंपनी के डायरेक्टर्स और कंपनी के मेंबर्स की राइट्स बताए हुए हैं और ड्यूटीज बताई हुई हैं, एंड ऑल्सो मैनर्स ऑफ कैरिंग ऑन द ऑपरेशंस, और साथ ही साथ वो तरीक़ाकार बताया हुआ है जिस तरीक़ाकार के जरिए ये तमाम मामलात डील किए जाएंगे। सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू इनेबल्स द एक्सटर्नल पार्टीज, यानी बाहर की पार्टीज से डील करने के लिए ये बनाया जाता है, ताकि बाहर वालों को पता चले कि हम आखिर हैं क्या। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए, तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आते हैं वो यही देख कर आते हैं ना कि भाई बाहर से आप लोग सारे स्टूडेंट्स आते हैं ना, कोई अंदर से ही तो नहीं आ रहे होते, सारे स्टूडेंट्स बाहर से आ रहे होते हैं, तो बाहर वालों से किस तरह से मामलात किए जा रहे हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, यहाँ डील किया जा रहा होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन सी पार्टीज होती हैं जो बाहर से डील कर रही होती हैं, क्रेडिटर्स, बायर्स, सेलर्स, डेटर्स, मेंबर्स, टू नो व्हाट इज द परमानेंट रेंज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, ताकि वो ये जान सकें कि कंपनी की जो लिमिटेड रेंज है वो क्या है, यानी कंपनी की जो लिमिटेड रेंज है एक्टिविटीज की वो क्या है। अब आ जाते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे, इट्स मेन पर्पज इज टू कंट्रोल एंड रेगुलर इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के अंदरूनी मामलात को डील करने के लिए ये बनाया जाता है। नीड, क्या जरूरत है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में देखते हैं, इट इज एसेंशियल फॉर ईच कंपनी, अ कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कोई भी कंपनी वजूद में नहीं आ सकती जब तक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ना बनाया जाए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में देखिए, कंपनीज मे नॉट स्टार्ट देयर ऑपरेशन विदाउट देयर आर्टिकल, यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की ज़रूरत क्यों है, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वजूद में ही नहीं आ सकती क्योंकि ये आपको रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराना है, जब तक रजिस्ट्रार के पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट नहीं होगा तब तक कंपनी वजूद में ही नहीं आ सकती। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्यों ज़रूरी है, कि कंपनी के अंदर के मैटर्स कैसे चलेंगे, ठीक है ना, एक उसूल जवाबित है कंपनी को चलाने के लिए भी ज़रूरी है, तो जो उसूल जवाबित कंपनी को चलाने के लिए नहीं बनाए जाएंगे जब तक वो वजूद में नहीं आएंगे, कंपनी अपने काम अंजाम नहीं दे सकती। देन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार, इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द कंपनीज टू फाइल द ड्यूली साइंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब तक ये डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का रजिस्ट्रार के पास सबमिट नहीं कराया जाएगा तब तक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिलेगा, लाजमी डॉक्यूमेंट है। जबकि देखिएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, इट इज़ नॉट कंपल्सरी रिक्वायर्ड बाय द रजिस्ट्रार फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, ये जो है वो लाजमी जुज नहीं है, लाजमी ये नहीं है कि आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी रजिस्ट्रार के पास जमा कराएं, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जमा कराना लाजमी है। लीगल रिलेशनशिप, इट हैज़ मोर लीगल स्टेटस सैंक्शन दैट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पे जितने भी सैंक्शंस होते हैं, जितनी भी शिकें होती हैं, जितने भी मामलात होते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। एन एग्रीमेंट विच इज़ नॉट परमिटेड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ, अगर कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है, अगर कोई ऐसा पॉइंट लिखा हुआ है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा हुआ, तो वो जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, यानी उस वो खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला हो जाता है तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। फिर देखिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, इफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टेक्स प्लेस इट इज नॉट वॉइड अनलेस अदर पार्टी इज अवेयर ऑफ दिस वायलेशन,
जब तक दूसरी पार्टी को इसकी वायलेशन के बारे में पता नहीं होगा तब तक इसकी जो शिकें हैं वो वॉइड नहीं हो सकती, यानी उसको नुकसान नहीं पहुंच सकता। म्यूचुअल रिलेशनशिप, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का इससे ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। MOA AOA के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन AOA की कोई भी शिक, AOA का कोई भी पॉइंट MOA से क्लैश नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट ना हो जो इसके अगेंस्ट हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो पॉइंट्स हो सकते हैं कि जो इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, क्योंकि ये एक्सटर्नल मैटर्स के लिए है, ये इंटरनल मैटर्स के लिए है। इसके बाद वाला पॉइंट जो है देखिएगा इसको, इफ द कंपनी वायलेट्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड डज एनीथिंग बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट, इट इज एब्सोल्युटली वॉइड। यानी कि अगर कोई भी कंपनी ऐसा कोई काम करती है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ना लिखा हो, वो मुकम्मल तौर पे वाइड है, उस पे जो है वो किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और वो इल्लीगल होगा, क्योंकि इल्लीगल है, लिहाजा कानूनी कार्रवाई से मुराद ये है कि अगर कोई उसके ऊपर कोई मामला कर देता है तो केस उसके ऊपर फाइल नहीं हो सकता। इफ द कंपनी डज एनीथिंग बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एन आर्टिकल बट विद इन इट्स पावर, इट इज़ नॉट वॉइड एंड कैन बी ईजिली रेक्टिफाइड सब्सिक्वेंटली बाय द स्पेशल रिजोल्यूशन। अगर कोई कंपनी ऐसा काम कर देती है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ना लिखा हो, तो वो उसकी पावर्स के अंदर अगर मौजूद है, उसके अख्तियारात में है, तो वो काम जो है वो गलत तसव्वुर नहीं किया जाएगा, गैर कानूनी तसव्वुर नहीं किया जाएगा। डिटर्मिनेशन, MOA determines the relationship between the company and the other persons outside the company. कंपनी और कंपनी के बाहर से लोगों से ताल्लुकात को ये एक्सप्लेन करेगा, डिटरमाइन करेगा, जबकि यहाँ पे इट डिटरमाइंस रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द पर्सन इंटरनल, यानी कि कंपनी के इंटरनल जो मेंबर्स हैं उनसे ये जितने भी मामलात हैं उनको ये डिटरमाइन करता है, उनको ये बताता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल्ट्रेशन एबिलिटी, यानी कि इसके अंदर ऑल्ट्रेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। ऑल्ट्रेशन ऑफ MOA इज अ कॉम्प्लेक्स वर्क फॉर एनी सॉर्ट ऑफ चेंजिंग, किसी भी किस्म की तब्दीली को अंजाम देने के लिए MOA के अंदर तब्दीली नहीं की जा सकती, बहुत कॉम्प्लेक्स वर्क है। द परमिशन ऑफ द कोर्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे परमिशन चाहिए कोर्ट से और मरकजी हुकूमत से, मरकजी जो हुकूमत होगी उस वक्त की, उस वक्त से उसको चाहिए उसमें तब्दीली करने के इख्तियारात, लिहाजा यहाँ पे किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती। आर्टिकल्स आर ऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये कंपनी के अंदरूनी मामलात हैं, अंदरूनी मामलात के अंदर तब्दीली की जा सकती है। एनी ऑल्ट्रेशन कैन बी मेड ओनली बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन, किसी भी किस्म की तब्दीली की जा सकती है एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद। तो यहाँ पे आज हमने अपना ये वाला चैप्टर जो था वो कवर किया है। इसके बाद हमारा एक और चैप्टर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है। इसमें ज़्यादा टिपिकली नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्टीज के अंदर इस वजह से नहीं, क्योंकि इसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 है इंपॉर्टेंट और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। तो ये इंशाल्लाह हमारी अगली एक क्लास का लेक्चर होगा जो कि हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।